ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଥିଲି, ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲା। ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଚେକ୍ କରିଲା ବେଳେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ 110 ଥିଲା, ତାପରେ 77 ଏବେ 58। কিন্তু বর্তমানে 2 দিন পরে না জ্বর আছে না বডি পেন আছে, কিছু সিম্পটমস না, কিন্তু প্লেটলেট ডাউন হয়েছে। ওকে, প্লেটলেট ম্যাম কম রয়েছে, তো কারণ করবে সে तो डेंगू वायरस जमती कि मु कहली आपणकर मसा कामुडिला तार 2-4 डेज पर जाके आपणकर ज्वर आरंभ हबो, एवं डेंगू वायरस जमती बडी बडी जीवो लोड बॉडी रे सेही हिसाब रे प्लेटलेट काउंट आपणकर ग्रेजुअली कमी कमी जीवो। आम बडी रे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होची 1.5 टू 4 लाख, तो डेंगू रे कोन होवे ना प्लेटलेट काउंट आपणकर आरंभ आरंभ देखिबे लक्ष्य तळु को आसी जाउचे, तो जेमती डेंगू सिवियरिटी बढ़ प्लेटलेट काउंट से कमी 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 आसो, किंतु से जगह आपन को किसी पैनिक करार ना, किंतु जदि आपको वमिटिंग होती मानते बांति डिहाइड्रेशन हो पेट टाणु किसी खावाक इच्छा हो मुंड बुलाऊ, तो से टाइम आप हस्पिटाल जाज प्लेटलेट मॉनिटरिंग करेंगे। तो जदि प्लेटलेट काउंट 10,000 तौक गला आप डॉक्टर ट्रांसफ्यूजन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि मैंने किसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन विषय में कहे से पर्यटन आप पैनिक करिया दरकार नहीं, कारण 5 दिन पर जितेबाला फीवर रो इंटेंसिटी कमिबो वायरस रो लोड कमिबो ग्रेजुअली आपनको प्लेटलेट काउंट मन को मन बढ़िया आरंभ हो जिवो, तो तापई किछ आपनको एक्टिवली किछ मेडिकेशन के इंटरवेंशन दरकार नहीं। हाँ, खाली गोटे जिंस कि आपनो घर भितर रुहंतु किसी इंजरी जो थे हो पारे जमीक आप बाहर को गले कौटी हाथ कटिगला कि कौन किसी कौटी माड़ होगा, तो इंजरी रिलेटेड तो से जगह कौन हुए ना प्लेटलेट कम थी आम ब्लीडिंग स्टॉप करिया बहुत कष्ट हो जाए, तो से प्रकार एक्टिविटीज आप कंट्रोल करवा उचित न करवा उचित। ओके, धन्यवाद हमको कॉल कर। जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।